26 मार्च 2022 को शुरू होने वाला है हमारा इंडिया का त्योहार यानी कि आईपीएल। और उस दिन को ना आप मार्क करके रख दो कैलेंडर में, क्योंकि उस दिन से शुरू होने वाला है ब्लॉकबस्टर एक एक मैच। क्योंकि जो जो मैच खेला जाने वाला है ना, सभी टीम बहुत ही बढ़िया अपना को रेडी कर चुका है और सभी टीमों का आई थिंक प्लेइंग 11 आप सभी लोगों को मेरे चैनल पर तो भाई बेसिकली देखना हो गया है। अगर नहीं देखो आई बटन पे जाकर देख सकते हो। लेकिन जो मैच होने वाला है ना उस दिन को, मतलब पहले दिन को सीएसके और केकेआर के बीच में वो मैच होने वाला है शाम को 7:30 बजे से आपको देखने को मिल जाएगा। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है ना कि ये मैच जो होने वाला है, ये मैच मुंबई के ग्राउंड पे होने वाला है और ग्राउंड का पिच कैसा हो सकता है उसके ऊपर थोड़ा सा गौर देंगे। उसके साथ दोनों टीमों का प्री 12 प्लेइंग 11 उसके ऊपर गौर देंगे इस टोटल वीडियो पर। उसके साथ जो कंपैरिजन हो सकता है ना उसके ऊपर भी गौर देंगे। और फर्स्ट ऑफ ऑल तो बताना ही भूल गया कि हेड टू हेड क्या स्टैटिस्टिक रहा है, पिछले हिस्ट्री क्या रहा है, कितना मैच जीता है, कितना मैचों में सभी टीम मतलब दोनों टीम, तो उसके ऊपर भी गौर देंगे। तो बहुत ही बढ़िया ये वीडियो होने वाला है। और लास्टली बताएंगे कि कौन सा टीम इस मैच को जीत सकता है और कितना विनिंग परसेंटेज में आगे पीछे रह सकता है। तो देखो अगर मैं बेसिकली बताऊं ना, मैच के दिन ही पता चलेगा कि कौन जीतेगा। लेकिन मैं जो कयास लगाऊंगा ना वो आप पकड़ के चल सकते हो कि हाँ इतना परसेंट सही हो सकता है। इस बेसिस पर वीडियो कैसा बनता है वो जरूर से लास्ट तक देखो और कमेंट करके बताना कि कैसा हुआ है वीडियो, तो उसके ऊपर बाद में बात करते हैं। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को जानना पड़ेगा कि सीएसके और केकेआर का हेड टू हेड स्टैटिस्टिक क्या है। तो ये दो टीम ना इससे पहले आपस में भिड़ चुका है टोटल 26 दफा, और उनमें से सीएसके जीत हासिल किया है 17 दफा और केकेआर जीत हासिल किया है 8 दफा। तो आप समझ सकते हो कि सीएसके का दबदबा बहुत ही ज्यादा है। लेकिन उस जगह पर मैं अगर आप लोगों को लास्ट 5 मैचेस का स्टैट दिखाऊं ना, तो उस जगह पर मैं बेसिकली बताना चाहूंगा कि सीएसके वहां पर भी अपना दबदबा कायम रखा है। तो 4 मैच सीएसके जीता है 5 मैचेस में से और केकेआर जीता है 1 मैचेस 5 मैचेस में से। तो ये है टोटल हेड टू हेड स्टैट्स जो कि आप सभी लोगों के सामने आप देख सकते हो। लेकिन उसके बाद आपको जानना पड़ेगा कि ये मैच कहां पर होने वाला है। ये मैच होने वाला है वानखेड़े स्टेडियम जो कि मुंबई में स्थित है और ये बेसिकली मुंबई का होम ग्राउंड हुआ करता था। और अभी रिसेंट टाइम में इस सीजन तो भाई ये सभी का अगर होम ग्राउंड बताया जाए तो सभी का होम ग्राउंड होने वाला है, क्योंकि सभी का इक्वल टाइप ऑफ मैचेस पड़ा है इस ग्राउंड पर। तो उस जगह पर पिच कैसा हो सकता है वो सबसे बड़ा जानने वाला क्वेश्चन है। तो उस जगह पर मैं बताऊंगा अगर वानखेड़े का पिच के बारे में बात करें तो वानखेड़े का पिच बेसिकली होता है लाल मिट्टी का पिच, और लाल मिट्टी में ना पेस सबसे ज्यादा वैरी करता है। मतलब स्पिनर लोग का मतलब नहीं है, जो क्वालिटी स्पिन गेंदबाज है वो तो अपना काम कर देगा, जो एक्सपीरियंस स्पिन गेंदबाज है वो अपना काम कर देगा, लेकिन जो पेस बॉलर थे ना उनका ज्यादा मदद है। क्योंकि आप सभी लोगों को पता है कि वानखेड़े में बुमराह उसके साथ बहुत ही बढ़िया बढ़िया पेसर आकर एक साथ गेंदबाजी कर चुका है और इफेक्टिव है, ठीक है, मतलब पेस बॉलर लोग को मदद है। तो उस जगह पर मैं बताऊँ की पेस रिलेटेड टीम ही बनाना चाहिए दोनों का। तो दोनों टीमों का प्री 12 प्लेइंग 11 इस मैच के लिए, मतलब पहला मैच के लिए क्या हो सकता है उसके ऊपर गौर देंगे। तो सबसे पहले अगर हम बात करें चेन्नई सुपर किंग्स के टीम का प्री 12 प्लेइंग 11 इस मैच के लिए क्या हो सकता है, तो उसके लिए मैं बताऊंगा कि चेन्नई देखो सबसे पहले ऋतुराज गायकवाड के साथ जाएगा, उसके साथ डेवन कॉनवे नो डाउट फर्स्ट चॉइस प्लेइंग 11 में खेलेगा दोनों ही। उसके साथ तीसरे नंबर पे मोइन अली आ जाता है, 4 नंबर पे अम्बती रायडू, 5 नंबर पे मैं शिवम दुबे को रखना चाहूंगा क्योंकि शिवम दुबे के पास क्वालिटी पेस बॉलिंग भी कर दे सकता है और धोनी के अंडर में अगर खेलता है ना कोई भी बंदा वो अपना बेस्ट देता है। तो मैं बेसिकली शुभम दुबे के साथ जाऊंगा 5 नंबर पे। उसके बाद आता है 6 नंबर जो कि एमएसडी खेलेगा। देखो मैं अगर बेसिकली बताऊं कि आप एमएसडी को ऊपर खेलो तो वो नहीं होगा, क्योंकि बहुत दिनों से हम बता रहे थे कि भाई एमएसडी आप ऊपर से जाकर खेलो तो अच्छा रहेगा, लेकिन नहीं, वो भाई जहां पर खेलता है वहां पर ही काम हो जाता है मतलब इस टीम का, क्योंकि पिछले साल 6 नंबर पे खेलकर ही मैं टीम को कप जीता दिया था, तो आप उसके बारे में आप क्या बताएंगे, ठीक है। उसके बाद आता है 7 नंबर रविंद्र जडेजा, 8 नंबर पे ड्वेन ब्रावो, उसके बाद आता है प्रॉब्लम दीपक चाहर जो कि मिसिंग रहेगा। फर्स्ट मैच तो कॉन्फर्म है जो कि मिसिंग रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो उस जगह पर मैं बताऊंगा कि अगर आप तुषार देशपांडे को खिलाते हो तो अच्छा रहेगा, आप अगर के एम आसिफ को खिलाते हो तो भी अच्छा रहेगा। तो इन दोनों में से मैं बेसिकली एक को देखना चाहूंगा इस पोजीशन पर, ठीक है। लेकिन उसके बाद एडम मिलने को मैं बेसिकली देखना चाहूंगा, और उसके साथ हंगड़ेकर को आप ऊपर भी खिला सकते हो बैटिंग की तरह, ठीक है, लेकिन गेंदबाजी भी अच्छा कर दे सकता है, बंदे के पास गति है
उसका यूज करेगा, उसके साथ उनका जो हिटिंग एबिलिटी है ना वो भी लास्ट में कारगर हो सकता है। तो उस जगह मैं बताऊंगा कि ये अगर टोटल प्लेइंग 11 बनता है सीएसके की ओर से तो अच्छा रहेगा, सीएसके टीम मैनेजमेंट के तहत ये अगर क्रिएट कर पाता है तो अच्छा रहेगा, ठीक है। लेकिन उसके बाद अगर हम बात करें केकेआर का, तो केकेआर का कैसा प्रेडिक्टेबल प्लेइंग 11 बन सकता है, इसके ऊपर आता है क्वेश्चन मार्क। क्योंकि देखो अगर मैं विदेशी को लेकर बताऊँ ना, तो विदेशी के ऊपर बहुत सारा कुछ माथापच्ची करना पड़ेगा, तो उसके लिए ना मैं दो वीडियो पहले ही बना रखा हूँ केकेआर के ऊपर, अगर अभी तक नहीं देखो आई बटन पे जाकर देख सकते हो, ठीक है, मैं दो वीडियो लगा दूंगा। लेकिन अभी रिसेंट टाइम में प्लेइंग 11 क्या बन सकता है वो आप देखो, मैं जो मेरा चॉइस है मैं आपको बताऊंगा, आपका चॉइस भी ना आप जरूर से कॉमेंट करना बताओ। तो कैसा प्रेडिक्टेबल प्लेइंग 11 बन सकता है केकेआर टीम का, देखो वेंकटेश अय्यर ओपन करेगा, उसके साथ मैं बेसिकली रखना चाहूंगा एलेक्स हिल्स को, जिनका फॉर्म लगा हुआ है, ठीक है, रिसेंट टाइम में उनका फॉर्म लगा हुआ है तो उनको खिला दो। उसके बाद तीसरे नंबर पे मैं श्रेयस अय्यर को ही देखना चाहूंगा, क्योंकि जो बंदा तीसरे नंबर पे आकर इतना बढ़िया परफॉर्मेंस देता है इंडियन टीम के लिए, वो बंदा तो भाई आईपीएल में कारगर साबित होगा, ठीक है, तो उस जगह पर श्रेयस अय्यर बेस्ट चॉइस रहेगा। चार नंबर पे नीतीश राणा, पांच नंबर पे एंड्रे रसेल, छह नंबर पे शेल्डन जैक्सन, सात नंबर पे सुनील नारिन, आठ नंबर पे पैट कमिंस को मैं देखना चाहूंगा, नौ नंबर पे शिवम माबी, दस नंबर पे मैं उमेश यादव को भी खिलाना चाहूंगा। क्यों? क्योंकि पेस रिलेटेड विकेट है और उमेश को भाई गेंदबाजी पेस रिलेटेड विकेट में ही अच्छा कारगर साबित कर सकता है, तो जब मैं बताऊंगा उमेश को खिला सकते हो या फिर आप ना एक युवा खिलाड़ी को भी चांस दे सकते हो। लेकिन केकेआर का जो पेस बॉलिंग ऑप्शन है ना वो ज्यादा पिछले बार की तरह नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। उसके बाद आता है लास्टली वरुण चक्रवर्ती। तो ये है टोटल प्लेइंग 11, प्रेडिक्टेबल प्लेइंग 11 केकेआर टीम का। आप लोगों को क्या लगता है किसका पोजीशन को लेकर डाउट है वो आप लोग जरूर से कमेंट कर बताओ। लेकिन मुझे तो लगता है कि ये प्रेडिक्टेबल प्लेइंग 11 ना सही है, ठीक ठाक कर जाएगा। आई थिंक शेल्डन जैक्सन एज ए विकेट कीपिंग चॉइस ही खेलेगा, ठीक है, वो अब आई थिंक अब सभी लोगों को पता है। तो ये है दोनों टीमों का प्रेडिक्टेबल प्लेइंग 11 जो कि है तो है। तो इसके बाद अगर हम इन दोनों का कंपटीशन करने जाए कि कौन से विभाग में कौन सा टीम ज्यादा बेहतर है, तो उस जगह पर सबसे पहले अगर हम ओपनिंग से शुरू करें ना, तो सबसे पहले देखो कि सीएसके की ओर से ओपनिंग कौन करने वाला है, ऋतुराज गायकवाड़ के साथ डेवन कॉनवे, वैसा ही केकेआर की ओर से ओपनिंग कौन करने वाला है, वेंकटेश अय्यर के साथ एलेक्स हेल्स। तो इन दोनों टीमों का अगर हम एबिलिटी को देखें ना, ऋतुराज गायकवाड़ इक्वल टू वेंकटेश अय्यर, बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी दोनों ही है, दोनों के पास कैपेबिलिटी है, दोनों के पास फॉर्म लगा हुआ है, और उसके साथ डेवन कॉनवे एलेक्स हेल्स, दोनों ही विदेशी खिलाड़ी है, एक इंग्लैंड का एक न्यूजीलैंड का। तो उस जगह मैं बताऊंगा कि दोनों के पास ही अच्छा क्वालिटी है, मतलब डेवन के पास भी अच्छा क्वालिटी है, उसके साथ एलेक्स हेल्स के पास भी ज्यादा अच्छा क्वालिटी है। लेकिन दोनों टीम के ओपनिंग में जो डिफरेंशिएट होता है कि केकेआर का दो ओपनर ही ना एक्सप्लोसिव ओपनर है, लेकिन सीएसके का दो ओपनर ही ना सुलझा हुआ खिलाड़ी है, अगर बताए मतलब आपको पहले स्टेबिलिटी भी देगा, मतलब विकेट ज्यादा जल्दी नहीं फेंकेगा, उसके साथ पारी को आगे ले जाएगा। लेकिन केकेआर का ओपनर कैसा है कि आएगा आकर तरी लगाएगा, मतलब 6 ओवर में वो लोग 80 भी उठा दे सकता है, ऐसा तरीके से खेलेगा, ठीक है। तो उस जगह मैं बताऊंगा दोनों का ही इक्वल पोजिशन में अभी रिसेंट टाइम में है। कंपैरिजन की अगर बात करें दोनों का ही टाई हो रहा है इस विभाग में, मतलब ओपनिंग विभाग में तो टाई है बेसिकली। उसके बाद अगर आप देखें कि मिडिल ऑर्डर में, ठीक है, तो मिडिल ऑर्डर में केकेआर की ओर से मिडिल ऑर्डर में खेलने वाले कौन, श्रेयस अय्यर, नीतीश राणा लेफ्ट राइट हो गया, उसके बाद आता है एंड्रे रसेल। लेकिन वैसा ही अगर हम सीएसके की ओर देखें ना, मोइन अली खेलने वाला है तीसरे नंबर पे, चार नंबर पे अंबती रायडू को मैं बेसिकली रखना चाहूंगा, और पांच नंबर पे शिवम दुबे। तो इस विभाग में ना मैं बेसिकली बताऊंगा रिसेंट टाइम के अगर फॉर्म को देखें, श्रेयस अय्यर बहुत ही बेहतरीन फॉर्म से जा रहा है, उसके साथ अगर आप देखें नीतीश राणा को, एंड्रे रसेल को, इन दोनों का फॉर्म एवरेज है। और वैसे ही अगर हम सीएसके को देखें ना, तो वहां पर भी आप देखो कि मोइन अली ठीक ठाक फॉर्म से जा रहा है, उसके साथ अंबती रायडू और शिवम दुबे को रिसेंट टाइम में कैसा फॉर्म है वो अभी तक नहीं पता है, क्योंकि वो अभी सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस में उतरा है, बहुत दिनों से नहीं खेल रहा था, अंबती रायडू तो भाई नहीं खेल रहा है, तो उस जगह पर कैसा कर सकता है अभी भी पता नहीं है। लेकिन केकेआर का जो श्रेयस अय्यर का फॉर्म है ना, वो अकेला बहुत कुछ कर सकता है बंदा। तो उस जगह पर मैं बताऊंगा कि इस विभाग में नो डाउट केकेआर का पल्ला भारी रहेगा, मिडिल ऑर्डर में केकेआर बेस्ट चॉइस रहेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें लोअर मिडिल ऑर्डर, या फिर आप बता सकते हो कि फिनिशर का रोल में खिलाड़ी का कंपैरिजन, ठीक है, तो इस जगह पर मैं बताऊंगा कि केकेआर का उसे कौन खेलने वाला है लोअर मिडिल ऑर्डर में, शेल्डन जैक्सन है, उसके बाद आपका सुनील नारिन खेलेगा, पैट कमिंस खेलेगा, ठीक है, पैट कमिंस सुनील नारिन, ये सब गेंदबाजी ऑप्शन है बेसिकली। लेकिन दोनों के पास ही ना बहुत ही बेहतरीन हिटिंग एबिलिटी है। लेकिन वैसे अगर हम सीएसके की कोर्ट देखें ना, तो 6 नंबर पे खेलेगा एमएस धोनी, 7 नंबर पे खेलेगा रविंद्र जडेजा, 8 नंबर पे खेलेगा ड्वेन ब्रावो। इसमें बताने की बात नहीं है कि
सीएसके का पल्ला भारी है। लोअर मिडिल ऑर्डर सीएसके विन कर लेगा तो उस जगह पर बताने की बात नहीं है। केकेआर फैंस को भी बताएं कि लोअर मिडिल ऑर्डर में सीएसके का पल्ला ही भारी है, क्योंकि रविंद्र जडेजा जैसा फॉर्म से जा रहा है ना, और ड्वेन ब्रावो और एमएसडी को और क्या एक्सप्रेस करे, ठीक है, तो उस जगह पर सीएसके का पल्ला भारी रहेगा। लेकिन आप देखो कि स्पिनिंग ऑप्शन में कौन सा टीम का पल्ला भारी है। केकेआर की ओर से स्पिन बॉलिंग करने वाला है दो खिलाड़ी, सुनील नारिन और वरुण चक्रवर्ती, और वैसे ही सीएसके की ओर से स्पिन बॉलिंग करने वाला है रविंद्र जडेजा, उसके साथ मोइन अली। तो इन दोनों में से मैं बेसिकली बताऊंगा कि नो डाउट थोड़ा सा पल्ला मिस्ट्री स्पिनर के ओर ही झुकेगा, जो कि है आपका केकेआर का, ठीक है। तो केकेआर का थोड़ा सा पल्ला भारी रहेगा, और मैं बेसिकली बताऊं ना तो उस जगह पर मैं केकेआर को भाई एज ए टॉप पर ही रखूंगा स्पिन बॉलिंग अटैक में, क्योंकि किसी भी टीम का स्पिन बॉलिंग से बेहतर है केकेआर का स्पिन बॉलिंग ऑप्शन। तो उस जगह पर मैं बताऊंगा कि केकेआर का स्पिन बॉलिंग अटैक इस विभाग में भी सीएसके को मात दे देगा। लेकिन उसके बाद अगर हम पेस बॉलिंग अटैक की बात करें ना, तो पेस बॉलिंग सीएसके की ओर से करने वाला है कौन कौन सा खिलाड़ी, एडम मिलने फ्रंट लाइन रहेगा, ठीक है, उसके साथ ड्वेन ब्रावो जो कि सेकंड चॉइस रहेगा, मतलब फर्स्ट चॉइस सेकंड चॉइस ये दो ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद तुषार देशपांडे को अगर खिलाते हो तो अच्छा रहेगा, वो भी कर सकता है, उसके साथ हंगड़े का तो फर्स्ट चॉइस रहेगा। तो ये चार है सीएसके का। लेकिन अगर हम वैसा ही देखें केकेआर का ना, तो केकेआर की ओर से पैट कमिंस सबसे पहला ऑप्शन आता है, उसके बाद शिवम माबी भी आता है, जिनका विजय हजारे में बहुत ही बेहतरीन तरीके से गेंदबाजी किया था, टॉप हाइस्ट आई थिंक विकेट टेकर भी रहा था। तो उस जगह पर मैं बताऊंगा कि ये दो होगा फ्रंट लाइन, उसके इन दोनों के साथ जो साथी आएगा ना, वो होगा एक उमेश यादव और दूसरा होगा एंद्रे रसेल। तो इस विभाग में ना मैं बेसिकली बताऊंगा कि अगर आप देखो कि युवा के साथ बेहतर कॉम्बिनेशन अगर बैठ रहा है तो दोनों का ही पल्ला समान बैठेगा, ठीक है। क्योंकि देखो अगर दीपक चाहर इस टीम में आ जाता ना, तो आई थिंक सीएसके अपना बेस्ट क्वालिटी पेस बॉलिंग अटैक को लेकर उतरता आपको देखने को मिल जाता। लेकिन अभी दीपक चाहर नहीं है, तो उस जगह पर मैं बताऊंगा कि दोनों का ही इस पेस विभाग में ना टाई होगा, क्योंकि पैट कमिंस वर्ल्ड क्लास लेवल का गेंदबाज है, एडन मिलने भी वर्ल्ड क्लास लेवल का गेंदबाज है। लेकिन पैट कमिंस के साथ जो साथ निभाएगा ना, वो है शिवम माबी, लेकिन एडम मिलने के साथ साथ निभाएगा ड्वेन ब्रावो। तो इन दोनों में डिफरेंस तो बहुत है, मतलब आप एक तरफ अगर माबी को रखते हो, आप एक तरफ अगर ब्रावो को रखते हो, तो बहुत डिफरेंस है। ब्रावो का चार ओवर आपको मतलब बेस्ट चॉइस विकेट टेकिंग ऑप्शन करके देगा, लेकिन माबी का नहीं दे भी सकता है। तो उस जगह पर मैं बताऊंगा कि टाई होता है। एंद्रे रसेल भी अच्छा खासा गेंदबाजी कर देगा, और तुषार देशपांडे और हंगाड़ेकर का रिजेंट टाइम का ना क्वालिटी अच्छा है, हंगाड़ेकर तो भाई क्वालिटी है ही, उसमें बताने की बात नहीं, 19 में देख ही लिए होंगे। तो इस जगह पर बताऊंगा कि पेस अटैक में दोनों का टाई हो रहा है। और अगर ओवरऑल देखें फर्स्ट से देखो, ओपनिंग में टाई हो गया है, मिडिल ऑर्डर में जीत हासिल किया है केकेआर, लोअर मिडिल ऑर्डर में सीएसके जीत हासिल किया है, और अगर हम देखने जाए स्पिन बॉलिंग ऑप्शन तो वहां पर केकेआर जीत हासिल किया है, और लास्ट पेस बॉलिंग ऑप्शन में ड्रॉ हो गया है। तो उस जगह पर मैं बताऊंगा, अगर आप टोटल कंपटीशन को देखते हो तो उस जगह पर सीधे तौर पर दिख रहा है कि केकेआर का पल्ला थोड़ा सा भारी रहेगा इस पोजिशन पर। तो अभी अगर बताया जाए कि ये मैच कौन सा टीम जीतेगा और कितना विनिंग परसेंटेज से जीतेगा, तो मैं आप लोगों को सीधे तौर पर बताना चाहूँगा कि ये मैच में सीएसके 45% से और केकेआर 55% से आगे पीछे रहने वाला है। तो आप लोग इसके बारे में क्या है जरूर से कमेंट में बताओ। और ये था टोटल वीडियो, बहुत ही लंबा वीडियो हो गया है, तो अभी के लिए बस इतना ही। ये वीडियो को अगर आप प्यार देते हो तो इसके बाद भी बहुत बढ़िया बढ़िया वीडियो आने वाला है, ऐसा ही पूरा बेस करके सभी टीमों के ऊपर कंपैरिजन आएगा, ठीक है, तो उसके लिए रेडी रहना। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं एडी क्रिकेट, तो वो लास्ट में बता दिया, तो अभी के लिए बाय बाय।